आइए रुजुता जी से बात करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि फिटनेस का मतलब है खाना पीना। नमस्ते नमस्ते रुजुता नमस्ते जी। ऑनरेबल मोदी जी, थैंक यू वेरी मच यहाँ आके आपके साथ, आप सबके साथ मिलके और खास करके आपके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा। मुझे तो यही लगता है कि यू नो थैंक्स टू यू आज दाल चावल घी को अप्रूवल मिल रहा है हर एक घर में। नहीं तो हम पहले यही सोचते थे कि फ्री में अपनी दादी नानी ज्ञान बांट रही है तो उसको क्यों रुजुता सुने। जी, आपका जो ईट लोकल थिंक ग्लोबल का जो मंत्र, मैं समझता हूँ आज के लिए तो भारत के लिए बहुत एकदम से मेल खा रहा है। और ये काफी कुछ जो मैं बताता रहता हूँ, वोकल फॉर लोकल, और उसको भी एक प्रकार से बल दे रहा है। और बिल्कुल आप तो हमेशा ईट लोकल के मंत्र को लेकर के हमेशा अपनी बात बताती हैं, और लोगों को आपकी बातों में रुचि भी है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आज बहुत बड़ी मात्रा में जब लोग सुन रहे हैं, तो ईट लोकल के पीछे आप क्या कहना चाहती हैं? ईट लोकल के पीछे मैं वही कहना चाहती हूं जो आपने अब भी कहा कि हमारे यहाँ हमेशा कहा गया है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। तो जब हम लोकल खाएंगे तो हर कोई अलग अलग खाता है, तो उनके यहाँ का जो खाना है उनके रीजन के हिसाब से जो वहाँ पर बनता है वही लोग खाते, अगर खाएंगे तो वहाँ के फार्मर्स के लिए या वहाँ के लोकल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और ओवरऑल अर्थ के इकोलॉजी के लिए भी अच्छा है और हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही। और ये नहीं होना चाहिए कि जब तक के कोई हैशटैग में हमारे ही खाने को हमारे सोशल मीडिया पर नहीं दिखाता तब तक हम लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। जैसे कि घी को देख लीजिए आप, घी बाय द वे पीएम सर अभी आजकल यूएस में सबसे गूगल्ड वर्ड है, हाउ टू से घी, यू नो दैट्स द मोस्ट गूगल्ड वर्ड। और हम लोग पहले जैसे हल्दी दूध नहीं पी रहे थे लेकिन अभी जैसे ही उसको कोई टर्मरिक लाते कहता है या गोल्डन मिल्क तो हम पीने लगते हैं। इसीलिए आपका ये जो इनिशिएटिव है वोकल फॉर लोकल वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि फिर हम हमारे ही भाषा में हमारे ही खाने को और उसके वैल्यू को पहचानेंगे। देखिए रुजुता जी, मैं कोरोना के माहौल के कारण मैं मेरी माँ से कोशिश करता हूँ हफ्ते में एक दो बार बात हो जाए। और जब भी मैं माँ से बात करता हूँ तो तुरंत वो मुझे पूछती है कि बेटा तू हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। क्या बात वो है, वेरी गुड। तुरंत तुरंत मुझे पूछती है हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। तो आपकी बात सही है। अच्छा, आपका जो फिटनेस का मंत्र है, और मैं समझता हूँ ये मैसेज बड़ी ताकत रखता है। आप कहती है डोंट लूज हेल्थ, लूज वेट, जरा समझाइए क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे यही लगता है कि हम बहुत बार वजन कम करने के कोशिश में हेल्थ गवा देते हैं, रात की नींद गवा देते हैं, दिन का चैन चला जाता है और इश्क विश्क भी नहीं हुआ होता, बस डाइट पे रहते हैं। तो मुझे यही लगता है कि लोगों को ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो जाए। जस्ट नॉर्मल खाना जो हमारे घर पर बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल पोहा उपमा नून चाय जैसे कश्मीर में पिया जाता है, हर एक रीजन की हमारे यहाँ पर स्पेशलिटी है। तो अगर घर का खाएंगे पैकेट में से कम खाएंगे, और अभी 2020 भी चल रहा है तो मेरे हिसाब से अगर हमारे जो पुरुष वर्ग है वो भी अगर हमारे साथ महिलाओं के साथ घर पर हमारे किचन्स में काम करेंगे तो हम लोग पैकेट में से कम खाएंगे, अपने ही किचन से ज़्यादा खाएंगे तो सेहत ऐसी ही बनी रहेगी, डिफॉल्ट में हम लोग अच्छी सेहत बना पाएंगे। लेकिन तो रुजुता जी, एक तरफ फिटनेस, एक तरफ डाइटिंग, सारा माहौल ऐसा बना हुआ है, उस समय अगर आप ईट मोर वाली बात करती हैं, देखिए आपकी माँ जी जब आपको ये पूछती है कि आपने हल्दी ली कि नहीं, तभी आपको आपको उन्होंने और एक सीख दी होगी जो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये 100% आप दोनों में ये बात हुई होगी। शायद जब आप छोटे होंगे आपने मे बी दो तीन चपाती खा ली होगी और आपने कहा होगा आज मैंने तीन चपातियाँ खा ली,
तो आपने माँ ने आपको बोला होगा कि कभी गिनते नहीं है कि कितना खाया है, बस उतना ही खाओ जितना जरूरी है, और जो खाते हो वो आराम से चबा चबा के खाओ। आज ये विजडम कनाडा फूड गाइड में 2019 में साइंटिफिक विजडम आ गया, लेकिन हमारे घरों में हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी जो हमको प्यार से कह देती है या डांट के कह देती है, उसमें साइंस छुपा हुआ है, ये हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो आपकी बात सही है, और कितना खाएं उसके बजाय कैसे खाएं और कैसा खाएं इसका महत्व बहुत है। और मेरी अपनी भी एक रेसिपी है, ये मेरी अपना इनोवेशन है, ऐसा मेरा क्लेम नहीं है, लेकिन मैं ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा मैं सुनता रहा हूँ। तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खाता था, और मेरे सप्ताह में एक दो बार आज भी मैं इसका उपयोग करता हूँ। और आज मुझे लगा है, और आपने हैशटैग की चर्चा की है, तो मैं भी मेरी ये रेसिपी जरूर पब्लिक के लिए रखूँगा। रजुल बिल्कुल बिल्कुल राजी, फार्म टू टेबल, ये आजकल इसकी बहुत चर्चा हो रही है, कई जी स्टार्टअप्स इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे देश में सदियों पुराना विचार है, और जैसे आपने कहा कि भाई हर परिवार में ये परंपराएं थी, और अब धीरे धीरे 21वीं सदी का विचार भी बन गया है। मुझे पक्का विश्वास है कि आप जिन बेसिक चीजों को, यानी बैक टू बेसिक एक प्रकार से कहें, उसको प्रमोट कर रही हैं, और आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये बहुत अच्छा होगा। और मुझे अच्छा लगा आज आपसे बातें कर करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम धन्यवाद। एक